मेरा मेरा रक्षाबंधन। मूंगसा को क्या हो गया? अर्जुन, डॉक्टर। हाँ, यशोदा जी का है, शायद अपने कमरे में। क्या हुआ भाई साहब? वो औरत घर के बाहर भागी थी, इसका मतलब यशोदा जी अपने कमरे में ना हुई तो इस सब के पीछे उन्हीं का हाथ है, ये साबित हो जाएगा। अगर मैं शिवा से पहले अपने कमरे में ना पहुंची तो इसका शक यकीन में बदल जाएगा। शायद हवा के झोंके से कुछ कर गया होगा। तुम लोग मूंगसा को संभालो, मैं अभी आया। मेरा शक सही निकला, इस सब के पीछे यशोदा जी का ही हाथ है। यशोदा देवी, अब मेरे सवालों का जवाब दोगी आप। ये सवाल तो मन ने करना चाहिए थारे से कि तू यहाँ हमारे कमरे में क्या कर रहा है। मैं तो शाम की पूजा आरती केड़े स्नान करने गई थी, पर तू? क्या कर रहा है? मारा हिस्सा है ये, और यहाँ पे ये सब करने का हक थारा ना है। छोड़ा, अगर मेरा शक सही है तो वो घूंघट वाली औरत यशोदा जी ही है, तो वो घाघरा चोली यहीं कहीं होना चाहिए जो उस औरत ने पहना था। शिवा, छोड़। शिवा, मतलब कि मूंगसा को बेजान लाश बनाने वाली औरत और कोई नहीं बल्कि आप ही हो। और अब मुझे पूरा यकीन है कि इस घर में होने वाली एक एक घटना जिसका इल्जाम हमारी बहन पर आता है, उसके पीछे भी आपका हाथ है। अब मेरे पास सबूत भी है और गुनहगार भी। अब आप अपने बचे कुछ दिन जेल में काटने को तैयारी कर लो। शिवा, 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 रुक, मेरी बात सुन। खबरदार जो तूने पुलिस को फोन किया तो। पुलिस? क्यों भाई साहब, क्या हुआ? ये सवाल तो मुझसे ना, अपनी सासू माँ से कर रहा। अरे हिम्मत कैसे हुई मारे ऊपर ऐसा इल्जाम लगाने की? साबित क्या करना चाहता है तू इस सस्ते से लहंगे से? अब आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आपको कोई बचा अड़ा सकता, क्योंकि जिस औरत ने मूंगसा पे हमला किया है ना, उसने जो घाघरा चोली पहन रखा था वो ये रहा, जो कि मुझे की अलमारी में मिला।